हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम सिंह, एवरीवन, ओपन योर इंग्लिश लैडर बुक. टुडे आई एम गोइंग टू राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3, पीटर डज नॉट लिसन टू हिज मम्मी. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द नेम्स ऑफ लिटिल रैबिट्स. बच्चों, आज हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर थ्री से करेंगे. सो एवरी वन ओपन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 1 है कि वॉट वर द नेम्स ऑफ लिटिल रैबिट्स. लिटिल रैबिट्स जो है उसका क्या नाम था? योर आंसर इज, चेक योर आंसर. द नेम्स ऑफ द लिटिल रैबिट्स आर फ्लॉप्सी. आफ्टर फ्लॉप्सी यू विल पुट कॉमा लगाएंगे. मॉप्सी, कॉमा, कॉटन टेल एंड पीटर. अगेन द नेम्स ऑफ लिटिल रैबिट्स आर फ्लॉप्सी. फ्लॉप्सी की स्पेलिंग यू कैन चेक, FLOPSY, फ्लॉप्सी, कॉमा, मॉप्सी, MOPSY, मॉप्सी, कॉमा, COTTONTAIL, कॉटन टेल एंड पीटर. मीन्स जो नेम्स ऑफ जो रैबिट्स थे उनके नेम्स थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. देयर आर 4 लिटिल रैबिट्स एंड देयर नेम वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. ओके, नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड नॉटी पीटर रश टू. यस, रिमेंबर स्टूडेंट, व्हेन यू विल राइट नेम यू विल स्टार्ट नेम्स फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर. मीन्स बच्चों, जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में इस चीज़ का ध्यान देना है कि उसका जो पहला जो लेटर होता है वो आप कैपिटल से ही लिखेंगे. जैसे कि फ्लॉप्सी है तो एफ कैपिटल, मॉप्सी है तो एम कैपिटल. यू कैन चेक, फ्लॉप्सी का एफ, मॉप्सी का एम एंड कॉटन टेल का सी एंड पीटर का पी, ये हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होंगे. यदि इनके सरनेम लगाने होते हैं तो सरनेम में भी हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज़ होता है. मीन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा नाम पूनम सिंह है तो पूनम सिंह में जो पी है वो मेरा कैपिटल से शुरू होगा और उसके बाद जो सिंह का जो पहला लेटर है एस, तो वो भी मैं कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करूँगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड नॉटी पीटर रश टू. जो नॉटी पीटर था, शरारती पीटर, वो कहाँ दौड़ पड़ा? जब वो बोर हो गया, उसके भाई बहन जो है वो फील्ड में खेल रहे थे, तो वो कहाँ दौड़ पड़ा? आंसर, राइट आंसर, नॉटी पीटर. नॉटी की स्पेलिंग देखो, NAUGSTY. नॉटी मीन्स होता शरारती. नॉटी पीटर रश टू मैकग्रेगोर्स गार्डन. नॉटी पीटर रश टू मैकग्रेगोर्स गार्डन. बच्चों ध्यान दीजिएगा, पीटर का पी जो है वो कैपिटल रहेगा. रश टू मैकग्रेगोर, मै जो है एम वो आप कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे और प्रोस्ट्रोफी एस लगाना नहीं भूलिएगा एंड गार्डन. नॉटी पीटर रश टू मैकग्रेगोर्स गार्डन. नॉटी पीटर कहाँ दौड़ पड़ा? मैकग्रेगोर्स गार्डन में दौड़ पड़ा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड पीटर ईट इन मैकग्रेगोर्स गार्डन. जो पीटर था उसने जो है मैकग्रेगोर्स गार्डन में क्या खाया?
उसने वहां जाके क्या क्या खाया था? आंसर, पीटर एट फ्रेश लैटिट्यूड्स एंड थिन फ्रेंच बीन्स इन मैक। देखिए मैक का एम जो है वो भी आपका कैपिटल होगा, डोंट राइट कैपिटल, आप यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल में ही लिखेंगे, मैक ग्रेगोर्स गार्डन। ठीक है, पीटर एट फ्रेश लैटिट्यूड्स एंड थिन फ्रेंच बीन इन मैक ग्रेगोर्स गार्डन। पीटर जो है उसने जो है मैक ग्रेगोर्स गार्डन में क्या खाया? फ्रेश लैटिट्यूड्स, आपको बताया था कि पत्तेदार सब्जी होती है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और उसको लोग सैलड वगैरह में भी ऐसे कच्चा खाते हैं, और फ्रेंच बीन्स, ये दो चीज़ें उसने मैक ग्रेगोर गार्डन में खाई। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ लिटिल रैबिट? आंसर है, द नेम्स ऑफ लिटिल रैबिट्स आर फ्लॉपसी कॉमा मॉपसी कॉटन टेल एंड पीटर फुल स्टॉप। यू विल डोंट फॉर फुल स्टॉप, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को कभी ना भूलें। व्हेन योर सेंटेंस विल फिनिश यू विल पुट फुल स्टॉप, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यू विल पुट फुल स्टॉप। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड नॉटी पीटर रश टू? नॉटी पीटर रश टू मैक ग्रेगोर्स गार्डन। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड पीटर ईट इन मैक ग्रेगोर्स गार्डन? पीटर एट फ्रेश लैटिट्यूड्स एंड थिन फ्रेंच बीन्स इन मैक ग्रेगोर्स गार्डन। यहाँ पे एम आपको बताया कि ये जो एम है आप यहाँ पे एम जो है इसको कैपिटल में ही लिखेंगे, एम सी, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट है उसी तरीके से एम सी मैक ऑफ ए ग्रेगोर्स गार्डन, तो ठीक है। ठीक है, ओके, नाउ एवरीवन ओपन योर बुक पेज नंबर 23। ऑन पेज नंबर 23 लुक एक्सरसाइज नंबर ई, कंप्लीट ई सेंटेंसेस विद अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। क्या कह रहा है कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और जो हाईलाइटेड वर्ड है उनके अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं, आपको उन वर्ड का अपोजिट लिखना है। जैसे कि योर फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रेड इज डैश बट द फ्रूट आर स्टेल। स्टेल मीन्स यू नो, स्टेल मीन्स होता है बासी, और बासी का अपोजिट होगा फ्रेश। तो यू विल चूज राइट वर्ड फ्रॉम बॉक्स गिवन इन बिलो, बिटर फास्ट फ्रेश आउट, ये चार वर्ड हैं, इन चार वर्ड से ही आपको चूज करके और अपोजिट वर्ड लिखना है, तो फ्रेश जो है वो स्टेल का अपोजिट है। नाउ सेकेंड, When Peter jumped in the case, the water splashed dash in. In means होता है me, अंदर, और in का opposite होता है out. तो यहाँ पे आप out लिखेंगे तब आपका sentence होगा। When Peter jumped in the case, जब Peter जो है case के अंदर jump किया, the water splashed, जो पानी है वो क्या हुआ, बाहर की तरफ छलका। Third, sugar is sweet. Sweet means मीठा, शुगर इज स्वीट बट द मेडिसिन इज, आपको पता है कि मेडिसिन का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, बी आई डबल टी ई आर, शुगर इज स्वीट बट द मेडिसिन इज बिटर। लास्ट सेंटेंस, द टॉर्टराइज रन स्लोली, स्लोली मीन्स धीमे धीमे, जो टॉर्टराइज होता है वो बहुत ही स्लोली दौड़ा, रन स्लोली बट द रैबिट रन, लेकिन जो रैबिट है वो कितनी तेज दौड़ा, फास्ट, एफ ए एस टी, फास्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका, देखिए फ्रेश जो है वो नंबर वन का है, फ्रेश जो है वो आपका अपोजिट किसका है, वो हाँ नंबर वन, फिर उसके बाद आप जो है सेकेंड नंबर है आउट, बिटर नंबर थ्री, एंड फास्ट इज नंबर फोर। ठीक है, तो यू विल फिल योर बुक एंड सेंड मी फॉर करेक्शन। टिल देन टेक केयर।